पुष्पा, नाम सुनने का नहीं साहब, पुष्पा झुकता नहीं टूटता है। जंगल का कानून भी अब मेरे नाम से चलेगा, ये गेम अब हम खुद लिखेंगे। पुष्पा, नाम सुनते ही डर लगता है लोगों को, लेकिन पुष्पा से ज्यादा खौफ तो उसके दुश्मन का होना चाहिए, क्योंकि जब मैं आता हूं तो एक सांस भी महसूस होती है मौत के करीब। ये पुष्पा का वचन है, इस बार मैदान भी हमारा और जंग भी हमारी। जिस जंगल में तू राजा बनने की सोच रहा है, वहां मेरा कानून चलता है। जिंदा रहना है तो कदम सोच समझ कर रखना, वरना मौत तेरे लिए एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। पुष्पा नाम याद रखना, क्योंकि ये नाम दोबारा गूंजेगा सबकी जुबान पर। जंगल का एक ही राजा और वो मैं खुद बनूंगा। जंगल के कानून को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब पुष्पा वापस आ रही है। पुष्पा का नाम बंदूक की गोली से भी ज्यादा तेज चलता है। आम लोगों के लिए जंगल सिर्फ एक जगह है, हमारे लिए ये जंगल हमारा राज्य है। जब पुष्पा का हुक्म चलता है तो सबके मुंह बंद होते हैं। पुष्पा के साथ होने का मतलब है या तो शान से जीना या शान से मरना। जंगली हूं पर जंगली जानवर नहीं। सोचने का भी हौसला रखता हूं और सामने वाले का गलत सोच तोड़ने का भी। आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा 2 को सिर्फ अभी 100 ही दिन बचे हैं रिलीज होने में। पुष्पा के मेकर्स न्यू पोस्टर के साथ ये चीज कंफर्म किया। सुकुमार के डायरेक्शन पर बनने वाले फिल्म पुष्पा 2 को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को लगभग 500 करोड़ मूल्य से बनाया जा रहा है, जहां बड़े बड़े शूटिंग सेट, हाई क्वालिटी एक्शन सिक्वेंस, टॉप लेवल की वीएफएक्स हमें देखने को मिलेगा। फिल्म में आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल हमें मेन भूमिका में दिखाई देंगे। फिल्म की मोस्ट वायलेंस एक्शन सीन को शूट कर लिया गया है। साथ ही साथ एक और गाना भी हमें इस फिल्म की तरफ से देखने को मिलेगा। और मेन विलेन के रूप में बॉलीवुड की संजय दत्त इस मूवी में अपनी एक कैमियो करने वाले हैं। यानी कि डायरेक्टर सुकुमार इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है ये फिल्म। वैसे अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड मूवी पुष्पा 2 को लेकर आप लोग कितने एक्साइटेड हो, और ये मूवी थिएटर में अगर रिलीज होता है तो क्या आप लोग देखोगे कि नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।